हाइपरटेंशन तब होता है जब आपका रक्तचाप अस्वस्थ स्तर तक बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सर्दी के मौसम में आमतौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस समय आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छी बात यह है कि आप अपने डाइट की मदद से भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुकंदर की, जिसमें नाइट्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कारगर हैं। साथ ही ये हार्ट संबंधी बीमारियों को भी दूर करने में मदद करते हैं। तो इस मौसम में बीटरूट जूस, बीटरूट की सब्जी या इसे सलाद के रूप में जरूर खाएं। दही को भी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में राहत पाने के लिए आप अपनी डाइट में लो फैट दही शामिल करें। ये कैल्शियम से भरपूर होती है और ब्लड प्रेशर के लेवल को नियंत्रित करती है। कद्दू के बीज खाना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए कद्दू के बीज अच्छे माने जाते हैं। कद्दू के बीजों में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो कि मोटापा और हार्ट संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। तो एक मुट्ठी कद्दू के बीज भी आप जरूर ही खाएं। मेथी दाना का सेवन भी हाई बीपी को कंट्रोल करने में कारगर माना जाता है। बता दें कि मेथी में घुलनशील फाइबर होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। साथ ही इसमें सोडियम कम होता है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को सही रखने में मदद करते हैं। तो रोज सुबह आप मेथी का पानी पी सकते हैं। ऐसे में बहुत से मसाले भी हैं जो आप अपने आहार में शामिल कर बढ़े हुए रक्तचाप को कंट्रोल कर सकते हैं, और इन्हीं में से एक है लहसुन। जी हाँ, हाई बीपी को कंट्रोल करने में लहसुन आपकी मदद कर सकता है। आप सुबह सुबह पानी के साथ कच्चे लहसुन का सेवन जरूर करें। तो आप इन चीजों को अपने डाइट में शामिल करके अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से भी बात करें। साथ ही हेल्थ से जुड़े ऐसे ही और भी यूजफुल टिप्स के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को।